ने कहा नो, किसी ने कहा यस, किसी ने करी तारीफ और किसी ने निकाली खामियां, पर आखिरी में जो भी हुआ भाई वो सब आपके ही डिमांड पर हुआ है। सो हे गाइस, दिस इज एजी एमेको टू माय चैनल ऑफ आरएस ब्लॉग। तो मैंने पिछली वीडियो पे कहा था कि आप लोग मुझे डिसाइड करवाओ कि भाई मुझे ये घर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और उसमें से काफ़ी सारे बंदों का कमेंट भी आए होंगे। और मैंने एक पोल डाली थी जिसमें मैंने येस नो पे रिप्लाई पूछा था, तो काफ़ी सारे बंदों का येस पे आया है। तो हम फाइनली उस घर को लेने वाले हैं, या फिर हम कहूँ ले चुके हैं, और हम वहाँ सामान शिफ्ट करने लग गए होंगे। और आप देख सकते हो भाई, मेरा रूम लगभग खाली हो चुका है, मेरा जो सेटअप हैगा और मेरा जो बेड था वो यहाँ से जा चुका है, और बाकी थोड़ा बहुत सामान है वो भी हम धीरे धीरे शिफ्ट कर लेंगे। और मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको टूर दिखा दिया जाए मेरे कमरे का, और मतलब कमरा मैं कैसा बना दिया हूँ या फिर आगे और बनाने वाला हूँ, थोड़ा बहुत टूर दिखा दिया जाए। तो आज हम जाने वाले हैं कि वहाँ पर, तो चले चलते हैं, फटाफट चलते हैंगे और आपको टूर दिखाते हैं, और थोड़ा सा रूम सेटअप भी आपको नया वाला दिखाएँगे। तब जहाँ से तो हट गया हैगा, अब आपको एक नया रूम सेटअप देखने को मिलेगा। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अभी आप जो स्ट्रिप देख रहे हो ना, तो ये भी मैं निकाल कर अपने उस रूम पे लगाने वाला हूँ, और एक दो स्ट्रिप और ले लिया हूँ तो मैं उसे भी ऐड कर दूंगा। तो सब चीज़ आपको दिखाऊंगा वहाँ पे, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे इस घर में करनी है। तो चलते हैं फटाफट और आपको दिखाते हैं, तो बने रहे लास्ट तक वीडियो में। और भाई जो भी हुआ है आप लोगों की डिमांड पर हुआ है, तो लाइक करके जाना वीडियो पर। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो कि जो हमारा बेड वगैरह है वो सब हमारा जा चुका हैगा, और जो हमारा पीसी था वो भी जा चुका है। बस थोड़ा सा ये जो हमारा सेटअप हैगा, तो थोड़ा डिज़ाइनिंग के लिए बनाया था मैंने, वो हैगा वो बच गया है, और जो हमारी स्ट्रिप्स है ये बच गई है, और ये बोर्ड वगैरह और ये फ़ैन वगैरह भी हम ले जाएँगे हम यहाँ पर, और ये डिस्को बॉल भी ले जाएँगे। और थोड़ा बहुत सामान यहाँ बचा है, और थोड़ा जो सामान बचा है ना वो हमारे अंदर कमरे का बचा है, जो बड़ा बड़ा सामान है वो बचा है, तो वो भी हम अपने नए घर में ले जाएंगे। तो देखते हैं वहाँ पे कि हम क्या क्या सेटअप बना सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि भाई हमें वहाँ पर सामान हमेशा पड़ेगा। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि भाई क्या कर सकते हैं वहाँ पे। तो बने रहो वीडियो पे। तो दोस्तों, फ़िलहाल अभी बीत चुका है पूरा एक महीना, और मैंने आपको दिखाया था कि भाई मैंने यहाँ अपने घर को शिफ्ट कर रहा था, जैसे कि आप लोग को देख लिए हो, मेरे रूम वूम को सबको देखा था आपने कि मैं घर को शिफ्ट कर रहा हूँ। और भाई देखो, बाद में मैं वीडियो क्यों नहीं बना पाया उसका एक कारण है, क्योंकि आप लोग को जैसे मालूम होगा कि बीच में जो नवरात्रि सीरीज़ आ गई थी, तो उसके चक्कर में वीडियो नहीं बनाया पाया था, क्योंकि आप लोग जानते भाई नवरात्रि में भाई ज़्यादा से ज़्यादा व्यू बटोरने का मौका मिलता है हमें, और भाई हमारे घंटाघर सीरीज़ भी तो बाकी रहती है ना बनाने के लिए, तो उसके पीछे मैं वीडियो को नहीं बना पाया था। और फिलहाल पूरा बीत चुका है एक महीना, और हम पूरा शिफ्ट हो चुके अपने घर में, भाई आराम से रह रहे हैं यहाँ पे। और हमारा भाई देख सकते हो, इसकी भी भाई बगल में आ चुका है, देख सकते हो ये वाला घर इसी का है ना, तेरा घर है ना, इधर देख के बोलना। हाँ। अरे ये हाँ। सही से देखो कौन एक तेरा घर कौन सा है ये। हाँ देखो, ये वाला घर है इसका, और हम इसके बगल में ही आ गए हैं। और तो फिर यार देखो, हमारे घर में झूला लगा, देख रहे हो आप लोग, हम लोग झूला झूलते रहते भाई रोज़ शाम को। अब बारी है भाई अपने घर के इंटीरियर को दिखाने के लिए। जैसे आप लोग जानते हो कि मैंने पिछली वाले वीडियो पे इंटीरियर दिखाया था, लेकिन वो इतने ख़ास से नहीं दिखाया था, मतलब नॉर्मली भाई एक घर को हम देखने आए हैं उस हिसाब से हमने घर को बनाया था। लेकिन अब आपको दिखाने वाले हैं कि भाई अपने रूम को कहाँ कहाँ सेटअप करना, अपने घर को किस हिसाब से सेटअप किए हैं, और मेरा भाई गेमिंग रूम भी तो आपको दिखाना है। ये तो बंदा देखने का इनसाइड है। हाँ। कैसा लगता है मेरा रूम देखने में? तो आपको भी अपना गेमिंग रूम दिखाना है, और बाकी के सारे जो रूम वगैरह हैं वहाँ दिखाएंगे आप क्या क्या हमने बनाए अपने कमरे में, मतलब घर में क्या क्या चीज़ें सेटअप किए हैं सब आपको दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं फटाक से और आपको दिखाते हैं। और अगर थोड़ी सी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना। और भाई ये घर ना भाई आपकी डिमांड पर ही लिया गया है, मतलब आपने जैसा कहा यहाँ लेना, मैंने आपसे पूछा था ना कि आपको लेना चाहिए, मेरे को लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आपने कहा लेना चाहिए। और भाई सबसे पहले बता दूँ, एक महीना हो रहा है जो मैंने भूतिया वाली बातें की थी ना, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, वो सिर्फ अफवाहें टाइप की थी, समझ गए ना आप लोग, अफवाहें थी वो और कुछ नहीं है। हम यहाँ एक महीने से रह रहे हैं पर हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। तो चलो चलते हैं भाई, बहुत ज़्यादा पकपकाना हो गया यार, आपको घर का इंटीरियर दिखाते हैं। पहले तो आपको छत से शुरुआत करते हैं, तो देख लो ये देखो हमारा आपको छत इस टाइप का देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ देख लो आप लोग, ये जो हमारे यहाँ टीन हमने खरीदे थे तो वो हमने रखे हुए यहाँ पे। और आपको एक बार
खड़े होकर दिखाता हूँ। यहाँ यहाँ से गेहूँ वगैरह हमने रखे हैं, और ये देखो ये है हमारा झूला, जो कि ये बंदा बहुत तेज़ झूलता है, बोलते थोड़ा आराम से झूला था, लेकिन नहीं, वो पानी की टंकी वगैरह वहाँ पर है लेकिन फिलहाल चालू नहीं है। और ये हमारे घर का कुछ कबाड़ खाना है, जैसा कि आप देख सकते हो भाई, ये यहाँ एक रूम है, दिखाना चाहूँ लेकिन दिखा नहीं पाऊँगा, एक स्टोर रूम टाइप का ही है समझ लें, अभी फ़िलहाल नहीं खोलेंगे। और ये एक छोटा सा किचन है जो कि छत पे बना हुआ है, देख लो छत पर बना है, और बस ऐसे ही कुछ छत है हमारा, इतना ही बड़ा मतलब एक तरीके से मैं कहूँ तो भाई उस छत मेरे उस घर के छत से तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ना डम्मू, उस छत से ज़्यादा बड़ा है ना मेरे वाले घर से, तो भाई बहुत बड़ा है छत, मतलब टहलने के हिसाब से तो ठीक ही है भाई, मतलब मेरे को छत के चक्कर में ना किसी और के यहाँ जाना पड़ता रहा, लेकिन अब ठीक है। तो चलते चलते आपको नीचे का इंटीरियर दिखाते हैं, ठीक है। तो गाइस आपको ये सीन देख कुछ याद आ रहा है, मैंने पिछली बार इसी जाली से मोबाइल को कुछ इस तरीके से करके वीडियो बनाई थी यहाँ पे, क्योंकि भाई जाली में देख सकते हो ये ताला है, ये तो हमारा ताला है, एक ताला लगा था वो टूटा था, इसलिए हमने ऐसे बना रही थी। और ये बाथरूम में अगर चलते हैं आपको नीचे बात दिखाता हूँ कि नीचे हमने क्या क्या बनाए हैं। तो देखो गाइस यहाँ पे हमने किचन बना दिया हूँ, जैसा कि आपने पुराने वाली वीडियो पे देखा होगा कि वहाँ का फर्श एक चीप टाइप का था, और चीप टाइप का था तो मैंने यहाँ पे एक कारपेट वगैरह लगा दिया हूँ जिससे कि भाई चिकना हो सका है, और ये हमारे काम भी आ सकता है। यहाँ पर बना के खाएंगे ना, क्या बना के खाएगा, मैगी बना के खाएंगे, और बर्तन वगैरह हैं, टेबल वगैरह है, और यहाँ पे हमने यहाँ पे ड्रम रखा हूँ पानी का, क्योंकि भाई ऊपर की जो टंकी है ना जो आपको दिखाया मैंने उसमें अभी चलती नहीं है, इसलिए हमने पानी में ड्रम भर के देखा। और ये हमारी फ्रिज है, फ्रिज पहले आपको बाथरूम दिखाता था कि भाई कैसा बना, जैसे यहाँ पे हमने लाइट लगाई है जैसा कि अब चालू करके दिखा, चालू कहाँ से होती है ये देखा, ये लाइट वगैरह लगी है। चलो थोड़ा बाथरूम दिखाते हैं आपको, ये देखो बाथरूम का कुछ ऐसा हाल है, देख सकते हो उस टाइम अच्छे से दिखाया नहीं था, वहाँ पे लाइट लग गया, और ये बाल्टी वगैरह, और ये नल लगा है लेकिन भाई ये टंकी से कनेक्ट है, टंकी से कनेक्ट है इसलिए चलता नहीं है, पता नहीं कब सुधरेगा। और ये बेसन भी आपको मैंने पहले दिखाया था अपने वाले वीडियो पे, अच्छे से देखने लगे, लेकिन यहाँ पे एक नल लगा, याद रखना आप लोग, जो कि काम करता है। और इस जगह तो पूरा नहीं दिखाऊंगा, इतना ही देख लो आप लोग, ये हमारी वही है समझ गए ना, दिखाऊंगा यहाँ पे थोड़ा सा भी फलान फैली है, जमाए वगैरह नहीं है अभी हम लोग, और कुर्सियाँ हैं, और फर्श थोड़ा सा खुदड़ा फुलड़ा है, देख सकते हैं आप लोग खुदड़ा फर्श है, रिपेयर कर लेंगे। चलो आपको बाहर का हॉल दिखाते हैं, बाहर का हॉल में कैसे सजाया हूँ। तो देखो गाइस यही है वो बाहर का हॉल जहाँ पे एक खटिया टाइप की रखी रहती है, ये जो भी बोलते हो उसने मेरे को नहीं पता सांप रखा होगा, तो हमने उसे हटा के उसको अंदर रख लिया। और यहाँ पे मैंने सोफे को लगा दिया हूँ इस तरीके से, देख सकते हो आप लोग, और साइको हमारी साइको रखी हुई है, और कुछ इस तरीके से थोड़ा सजा दिया हूँ मैंने, देख सकते हो आप लोग, यहाँ टॉयज देख सकते हो हमारे, देखो यहाँ मैंने सजावट किया हूँ, देख सकते हो कैसी लगी आपको बताओ जरा कमेंट करके, ये देखो, और ये हमारी फैमिली फ़ोटोज देख सकते हो, देख लियो। तो भाई यहाँ का रूम आपको कैसा लगा है आप लोग पहले कमेंट करके ये बताना कि इस रूम के बारे में है, और ऐसे देख लो यहाँ मीटर लगा हुआ है यहाँ पे हमारा, हाँ चलो आपको अंदर का रूम दिखाते हैं गाइस। तो देखो यहाँ पे कुछ रूम हमने इस तरीके से सजाया हूँ, यहाँ सामने आप देख सकते हो टीवी रखी हुई है, और यहाँ पे पलंग रखी है, अभी यहाँ डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लोग हमारे घर के लोग सो रहे हैं, और ऐसा कुछ है देख लो अपने बैकग्राउंड, ज़्यादा अभी सजाए नहीं है पर थोड़ा बहुत तरीके से ही सजाए हैं। और ये है पूजा का रूम वो भी बोल लो, और यहाँ भी कुछ सामान वगैरह आ रहा है, दीपावली है उसका सामान, ऐसे हमारा नहीं है। तो गाइस ये है मेरा गेमिंग रूम, और हम अंदर आकर को दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दो यार, तो कर दिया लाइक, तो चलो चलते हैं आपको अपना गेमिंग रूम दिखाते हैं।
तो गाइस ये है मेरा गेमिंग रूम, आप देख सकते हो भाई कितना प्यारा लग रहा है। प्यारा तो नहीं है, स्मार्ट टू टाइप का लग रहा है। तुझे कैसा लगता है मेरा गेमिंग रूम? ललन टॉप लगता है। और भाई यहीं पर रखा मैं पीसी बिल्ड किया हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो, आपको अच्छा दिखाता हूँ। ये देख सकते हो यहाँ पर मैंने पीसी बिल्ड किया हूँ, और मेरा वही वाला पीसी है और स्क्रीन रखी हुई है। और अभी यहाँ का बोर्ड का जो ढंग का कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ये जो बोर्ड लगा है ना ये थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए हमने जुगाड़ करके इस बोर्ड को चला रहे हैं। और हमारा जो डब्बे है ना, हमारा गेमिंग का पूरा सेटअप है वो यहाँ पर लगा हुआ है। फिलहाल तो मैं गेमिंग करता नहीं हूँ, लेकिन करूँगा। और ये हमारा माइक बाबू है, देख सकते हो आप लोग। इस तरीके से मैंने सजावट थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की हुई है, देख सकते हो आप लोग। मैंने तो कोशिश किया बताने की, आप लोग कमेंट करके बताओ कि ये कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, वो तो आप लोग बताओगे आप लोग। और ये है मेरी गेमिंग चेयर, हाँ फिलहाल तो यही वाली है, आप लोग इसी को गेमिंग चेयर समझ लो। और यहाँ पे भी देखो हमने थोड़ा सा सजाए हैं। और ये कोई भाई, ये है मेरी घड़ियाँ, देख सकते हो आप लोग कितनी सारी वॉचेस हैंगी। और एक वॉच अंदर भी रखी है, जो कि मैंने आपको थोड़े बहुत वीडियो में साथ दिखाई है। और यहाँ कुछ ऊपर ऐसा सजाए हैं, ग्लास और कपों को सजाया गया है, नीचे कुछ ऐसा हैगा। और ये है हमारा बेड, यहाँ पे फिलहाल कभी कभार सो जाता हूँ, मतलब सोने रो रेगुलर नहीं सोता हूँ, लेकिन कभी कभार मैं सो जाता हूँ। और यहाँ पर एक सीलिंग फैन लगा हुआ है जिससे कि हम हवा खाते हैं, और एक कूलर भी है जिससे कि रात की तो नींद अच्छी कट जाती है भाई। और यहाँ पे मैंने देखो LED स्ट्रिप लाइट्स को लगाया हूँ, देख सकते हो आप लोग कितनी प्यारी लग रही है। और मतलब वैसे ये पुरानी लाइट है और ये नई लाइट है, तभी भाई जे वाली लाइट थोड़ी ज़्यादा तेज़ जलती है। तो ऐसे ही कुछ रूम टूर था। और आपको एक चीज़ और दिखाना भूल ही गया मैं, चलो आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखो आप लोग यहाँ है, देखो हमारी अलमारी, ये देखो ये है मेरी अलमारी का सेटअप। यहाँ देख सकते हो आप लोग मेरे चश्मे पूरे जितने थे वहाँ पे लगे रहते रहे, यहाँ जमे हुए। हाँ चश्मों की दुकान है मेरी, समझ लो आप लोग। और ये है मेरे कपड़ों की दुकान, कितने सारे हैं। और यहाँ देखो मेरे जितने भी सारे आइटम्स डले हैं ना, वो मतलब मेरे PC से रिलेटेड वो डले हुए हैं यहाँ पे, देख सकते हो आप लोग। और मेरे जूते वगैरह यहाँ पे भी छुपे हुए हैं, देख लो आप लोग। मतलब घूम फिर के देख लो, मतलब मेरा जो रूम सेटअप है वो इतना ही है, देख लो। मतलब मेरा जो नया घर है वो कुछ इस तरीके से सेटअप है, पूरे अच्छे प्रॉपर तरीके से सेट नहीं किया हूँ, लेकिन धीरे धीरे करके सेट करने वाले अपन। और मेरा गेमिंग रूम कैसा लगा है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता देना। और मेरा भाई और हम जल्दी गेमिंग शुरू करेंगे अपने एक चैनल पे, हमारे दोनों का चैनल हैगा। इसका भी नया चैनल है, एक वीडियो डाला इस बंदे ने तो काफी ज्यादा व्यूज में, कितने व्यूज मिला था अभी तो 702। हाँ 700 करीब व्यूज है इसको। तो आपको ये होम टूर वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके बता देना। तो आयो आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक करना, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब करना, बाजू पे कोई और में कर देना। और मिलते हैं आपसे कैसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फॉलो कर लेना। और आपको ऐसे एक चीज दिखाना भूल गया था मैं, ये देखो ये है मेरा कैरम बोर्ड जो कि हम लोग रोज रात में यहीं पे बैठ के खेलते हैं और अपने भाई के साथ, और बड़े भैया भी आ जाते हैं। एक बार क्वीन और कवर एक साथ मिला। तो बस यही है हमारा वीडियो, तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, केयर केयर, बाय।